दिस इज वीडियो नंबर 36 फॉर डेरिवेटिव चैप्टर. सी द क्वेश्चन इज हियर, टैन इनवर्स ऑफ दिस वन. देखो यहां पे दिया हुआ है वन डज नॉट ऑकर एज द फर्स्ट टर्म इन द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में पहले टर्म की जगह पर यहां इस क्वेश्चन में वन नहीं दिया है. ओके, सो हेंस द डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए कॉस एक्स. मतलब कब, जब उसको टेन इनवर्स, यहां टेन इनवर्स में यहां पे कंपलसरी वन चाहिए. टेन इनवर्स में यहां कंपलसरी वन चाहिए, या वन नहीं है तो क्या करेंगे, इस टर्म से ए कॉस से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे. तो वही यहां पर क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहे हैं. तो यहां अगर यह कॉट इनवर्स होता तो पहले मैं इसको रेसिप्रोकल बना देती, लेकिन टेन इनवर्स है तो अब मैं यहां वन बनाने के लिए चल रही. तो डिवाइड बाय ए कॉस एक्स टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. यहां ए कॉस से, यहां ए कॉस से, यहां ए कॉस से, यहां ए कॉस से डिवाइड कर दिए. तो इस तरीके का ये स्टेप आ जाएगा स्टूडेंट्स. ओके, यहां पे अगर आपने ए कॉस से डिवाइड किया तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बी बाय ए आ जाएगा. यहां पर अगर ए कॉस से डिवाइड किया तो ए ए कैंसिल हो जाएगा, टेन बन जाएगा. यहां पे वन, और यहां पर ए कॉस से डिवाइड किया तो बी बाय ए टेन बन जाएगा. तो इस तरीके का स्टेप आ गया. नाउ स्टूडेंट्स यहां माइनस है, तो इन दोनों फैक्टर्स की एडिशन उल्टा बोलने का ऊपर होनी चाहिए. है देखो यही दोनों ऊपर है ना. ओके, फिर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ बी बाय ए. और गलती से इसको एफ ऑफ नहीं बोलने का, ये आपका पूरा कांस्टेंट है. कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव जीरो बनेगा, क्योंकि यहां तो ना एक्स है और ना ही वाई है. ओके, सो फिर और ये टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स का क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा एक्स, और ये रहा जैसे का वैसा. नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा वन और इसका डेरिवेटिव आएगा जीरो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो स्टूडेंट्स पहले तो ये कॉट इनवर्स है ना, इसको पहले टैन इनवर्स करेंगे तो ये जाएगा ऊपर और ये न्यूमरेटर आएगा नीचे. ओके, नाउ यहां मुझे कंपलसरी वन चाहिए तो डिवाइड बाय थ्री करेंगे, सभी जगह थ्री से हम डिवाइड कर लेंगे तो ये स्टेप आएगी. नाउ यहाँ प्लस है तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन ऊपर चाहिए, तो ऑलरेडी इन्हीं दोनों की सब्ट्रैक्शन ऊपर आ चुकी है, तो बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ दिस माइनस टेन इनवर्स ऑफ दिस. ओके, फिर ये बनेगा कॉन्स्टेंट और इसका बनेगा एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो माइनस वन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगला क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेन इनवर्स ऑफ वन प्लस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स. वेरी सिंपल. यहां अब मुझे टेन इनवर्स के सामने यहां पे वन चाहिए. अगर ये कॉट इनवर्स होता तो मैं इसका रेसिप्रोकल बनाती थी, बट ये टेन इनवर्स है तो अब मैं इसका रेसिप्रोकल नहीं बनाऊंगी. मुझे यह वन चाहिए तो मैं क्या करूंगी, फिर डिवाइड बाय एक्स करूंगी. देखो इसको रेसिप्रोकल नहीं बनाने का, तो डिवाइड बाय एक्स करने से यहाँ पे वन बाय एक्स आएगा, यहां से एक्स कट जाएगा, यहां पर वन आएगा और यहां पे वन बाय एक्स आ जाएगा. अब यहां माइनस है ना, तो ऊपर में इन दोनों की एडिशन होनी चाहिए, ऑलरेडी है, तो टेन इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ साइन एक्स. नाउ टेन इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स का क्या बनता है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स बन जाता है, तो इजी बन जाएगा ना. और टेन इनवर्स ऑफ इसका कुछ नहीं बनेगा, तो ये रहा जैसे का वैसा. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स में क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ ये प्लस डेरिवेटिव ऑफ ये. ओके, नाउ डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एफ ऑफ में क्या बनेगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस एफ ऑफ स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट एक्स का वन, प्लस डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ये वाला एफ ऑफ का क्या बनेगा, वन अपॉन वन प्लस एफ ऑफ स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट एफ ऑफ. फिर यहां पे इसका साइन एफ ऑफ का क्या बनेगा, कॉस एफ ऑफ इंटू एक्स का आएगा वन, तो ये कॉस बन जाएगा, तो ये रहा आपका आंसर. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब ये टेक्स्ट बुक के कुछ सॉल्ड एग्जांपल्स है. इसको स्टूडेंट्स अपन यहां से ये कॉस इनवर्स ऑफ है, देखो ये कॉस इनवर्स ऑफ है, अभी हमारे रिमिक्स मिक्सिंग प्रैक्टिस चलेगी. सो यहां पर ये वन माइनस टेन स्क्वेयर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर की याद आ रही, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये है आपका थ्री एक्स का होल स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, 3x की जगह पे tan थीटा पुट करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपने कर चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर कोई डाउट है तो हमको पूछ लेना, ठीक है. नाउ सी हियर, ऐसा ये भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमने बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि अगर पहली बात तो यहाँ पे कोई sec इनवर्स वगैरह होता है तो मैं इसका पहले रेसिप्रोकल कर डालती थी, लेकिन cos इनवर्स है तो मैं कुछ नहीं करूंगी. फिलहाल नेगेटिव पावर को हटाने के लिए 2 टू द पावर प्लस x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां 2 की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर x का होल स्क्वायर आएगा. यहां पे 1, यहां पे होल स्क्वायर और यहां पे आएगा 1. तो ये स्टेप आ गए स्टूडेंट्स. और
कॉस इनवर्स के सामने, अब ये एक्चुअली क्या है आपका, ये ऐसा है ना, तो मुझे कैसे याद आ रहा है, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर चाहिए, तो मैं ना माइनस कॉमन निकाल रही, तो क्या बनेगा, वन माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, टू टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसकी जगह टू की एक्स का होल स्क्वायर लिख डाल रही, और इसकी भी जगह, और हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ नेगेटिव ऑफ एंगल, सॉरी नंबर, कॉस इनवर्स ऑफ नेगेटिव ऑफ नंबर, दैट मीन्स कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या बनता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बनता है, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रख देंगे, और साथ में इसकी जगह पे टैन थीटा भी पुट करेंगे, वन माइनस टैन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर आएगा, जिसका बनेगा कॉस ऑफ टू थीटा। तो इस तरीके से ध्यान रखो स्टूडेंट्स, आप चाहो तो पहले सब्स्टिट्यूट करो बाद में माइनस लगाओ, तो जो भी है इन्होंने पहले सब्स्टिट्यूट कर लिया, ऐसा आया इसका कॉस ऑफ टू थीटा बनेगा कॉस एंगल की डबल, नाउ कॉस इनवर्स ऑफ माइनस में क्या बनेगा, पाई माइनस, ओके पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ दैट वन, ओके। तब यहां से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ, ये एक्चुअली इन्होंने ये जो लिखा ना स्टूडेंट्स, तो मैं आपको अपने तरीके से भी बता दे रही, ये भी सही है, यहाँ पे अलाइड एंगल लगाया, कौन सा, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव, इसलिए माइनस कॉस ऑफ एंगल की जगह पर कॉस ऑफ पाई माइनस दैट लगाया, क्योंकि इसी का आंसर आएगा माइनस कॉस ऑफ टू थीटा, ओके। और फिर ये कॉस इनवर्स के सामने से कॉस कट जाएगा और ये आंसर आएगा पाई माइनस टू थीटा, फिर पाई रहा जैसे का वैसा, माइनस टू रहा जैसे का वैसा, और ये बनेगा टेन इनवर्स ऑफ टू टू द पावर एक्स, क्योंकि हमने टू की पावर एक्स को पुट किया तो, और फिर डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ, तो आंसर क्या आएगा फिर, ये इसका तो जीरो बनेगा ना, कॉन्स्टेंट है, तो माइनस टू इंटू टेन इनवर्स एफ ऑफ का क्या बनेगा, वन अपॉन वन प्लस एफ ऑफ स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट एफ ऑफ, फिर डेरिवेटिव टू की पावर एफ ऑफ, फिर टू पावर एफ ऑफ इंटू लॉग ए लॉग टू इंटू, फिर वो एफ ऑफ का वन आएगा, ऐसा ये आंसर, ओके। ये एक्स है और ये वन है, तो ये पावर्स की एडिशन बन जाएगी, बेस सेम है, तो ये रहा आंसर। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने जैसे होते हैं, और मैं ये बताना चाह रही थी कि इसकी जगह पर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कौन सा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दैट मीन्स ये बनेगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू बनता था पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ पे x की जगह पर क्या है, x की जगह पर cos 2 थीटा है, तो यह बनता था cos 2 थीटा, और फिर cos और cos इनवर्स क्या बन जाता, कैंसिल हो जाता, दैट मीन्स पाई माइनस 2 थीटा बनता था, जो यहाँ पे अलग एंगल से इन्होंने लगाया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपको बहुत अच्छे से करना है, तो अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अभी हमारी मिक्सिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रैक्टिस चल रही है।